हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चे व सीखने में बुद्धि परीक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पहला जो बुद्धि परीक्षण था उसकी चर्चा की थी, प्रथम बुद्धि परीक्षण की चर्चा की थी। इसके बाद में दूसरा बुद्धि परीक्षण शामिल होता है, जो बहुत ही आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण दो ही हैं, पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण और दूसरा स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे बालकों के लिए और जो प्रश्नों के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाए, उनके लिए सबसे बेहतरीन जो बुद्धि परीक्षण हैं वो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण और उसी का संशोधित रूप स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड जो बीने बुद्धि परीक्षण है, वो बुद्धि परीक्षण 1916 में दिया गया था। तो दूसरा जो बुद्धि परीक्षण है उसका नाम है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक कौन है? टर्मन। सहायक कौन है? साइमन। ये वही साइमन है कौन से, जिन्होंने सहायता की थी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में बीने की, और ये दोनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। दोनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में टर्मन महोदय ने, वहाँ पर प्रोफेसर थे, टर्मन महोदय वहाँ के प्रोफेसर थे, और इस साइमन की सहायता से ही इन्होंने बीने के जो परीक्षण था उसमें कुछ संशोधन किया। पैटर्न वही था कि एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जाए, अर्थात यह बुद्धि परीक्षण भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, और एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जाए। और अगर बीने साइमन के बुद्धि परीक्षण का यह संशोधित रूप है तो इसमें यह कैसा था? वाचिक, क्योंकि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण वाचिक था और उसमें संशोधन हो रहा है, तो यह भी क्या था? वाचिक व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही था। इसके बाद में देखें कि यहाँ प्रश्नों की बात आती है, तो जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी थी? तो टोटल प्रश्नों की संख्या 90 थी, जिसमें 71 प्रश्न हैं वो लिए गए थे, नए बनाए गए थे, और 19 जो प्रश्न हैं वो बीने के बुद्धि परीक्षण से ही लिए गए थे। 19 बुद्धि परीक्षण बीने के बुद्धि परीक्षण से लिए गए थे, और 71 बुद्धि परीक्षण हैं वो नए बुद्धि परीक्षण हैं। यह बुद्धि परीक्षण 1916 में प्रस्तुत किया गया था। व्यक्तिगत है, वाचिक है, सहायता प्रदान करने वाला साइमन है, प्रतिपादक करने वाला टर्मन है, प्रश्नों की संख्या 90 है, 71 प्लस 19, ठीक है। तो ये तो पैटर्न है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। तरीका वही था जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में था, केवल और केवल चेंचिंग आयु स्तर के बालकों के लिए अलग से किया था। इसमें जो वर्ग था, कौन सा? आयु वर्ग, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। यह आयु 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए महत्वपूर्ण माना था, अर्थात 3 से लेकर 14 वर्ष के बालकों की मानसिक आयु का ज्ञान किया जाता था। इसमें 11 और 13 वर्ष के बालकों को छोड़ा नहीं गया था, कंटिन्यू किया गया था। सभी आयु वर्ग के बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण था, इसलिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट बुद्धि परीक्षण माना जाता है बीने साइमन के बुद्धि परीक्षण से भी, क्योंकि इसमें संशोधित है तो कुछ नया है। दूसरा इसकी एक खासियत और है इस बुद्धि परीक्षण की, कि इसमें बालक के जीवन के हर पक्ष से संबंधित आकलन किया जाता था। वहाँ केवल शिक्षा से संबंधित उसकी मानसिक योग्यताओं की जांच की जाती थी, लेकिन इसमें जीवन का कोई भी पक्ष है उस सभी पक्षों के माध्यम से इनके जीवन का अध्ययन किया
जाता था, हर पक्ष से संबंधित। इस आयु वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के बालक के लिए बुद्धि परीक्षण बनाया हुआ था। अब यहां तर्मन महोदय ने इसी समय एक सारणी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसमें वो प्रस्तुत की थी 1916 में, और सूत्र भी दिया था, और उसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम, क्योंकि आप उस सारणी को याद कर चुके होंगे, याद करने से होगा क्या कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो आपको उन क्वेश्चनों को तैयार करना है और हल करना है। मैं आपको समय दूंगा मात्र 5 सेकंड का, उस 5 सेकंड में आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा उस क्वेश्चन में आप रोक कर वीडियो को हल करना और फिर आगे उसका समाधान देखना है। तो टर्मन का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण दिया था। उसने मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूड, मूर्ख, मंद, पिछड़े बालक और निर्बल बुद्धि, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, इन सब का एक चार्ट बनाया था। हम देखते हैं नीचे नीचे उन्होंने दिया था। पहले तो हम देखते हैं सामान्य बालक। सामान्य जो बालक है उसकी बुद्धि की जांच की जाती है तो वह बालक था 90 से 110 या मैं कहूँ 109। इसके बाद में आता है तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि की हम अगर बात करें तो तीव्र बुद्धि में 110 से लेकर 119 तक आता है। फिर बात करें हम प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि की बात करें तो 120 से लेकर 139 तक आता है। और फिर बात करें प्रतिभाशाली बुद्धि, उसमें बात करें 140 से ऊपर। यहाँ अगर हम बात करें तो बालक होते हैं पिछड़े बालक, पिछड़े बालक के बाद निर्बल बुद्धि वाले बालक, फिर मूर्ख बुद्धि वाले बालक, फिर मूड बुद्धि वाले और फिर जड़ बुद्धि वाले। ये वर्गीकरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। पिछड़े बुद्धि है उसका वर्गीकरण इन्होंने क्या किया था, 89 से लेकर 80 से 89। निर्बल था उसमें 70 से लेकर 79 तक दिया गया था। जो मूर्ख था उसमें 50 तक दिया गया था। जो मूड था उसमें 49 से 25 तक, और जो जड़ था उसमें 25 से कम, यानी 0 कितना भी हो सकता है। न्यूनतमता की जो स्थिति आती है वो आगे कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो वर्गीकरण हो गया इसके माध्यम से बालक की बुद्धि की जांच कैसे की जाए, बुद्धि की जांच कैसे की जाए, उसकी जांच इसी के माध्यम से की जाती थी। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ कि एक 10 वर्ष का बालक, एक 10 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। एक क्वेश्चन तो ये है। अब यहाँ बुद्धि लब्धि की बात आती है तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टर्मन का वर्तमान सूत्र देखा था जिसमें बुद्धि लब्धि का टर्मन का सूत्र था। बुद्धि लब्धि को इंटेलिजेंस क्यूरेंसी कहा जाता है, जिसका सूत्र है IQ बटावा MA बटे वे CA। IQ बराबर MA बटावा CA। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, B
बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटावा वास्तविक आयु गुणा 100। ये जो सूत्र था जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है, बेसिल आयु क्या होती है, टर्मिनल आयु क्या होती है, शैक्षिक आयु क्या होती है, 5-6 प्रकार की आयु की हमने बात की थी। अब यहाँ इस सूत्र में जो का थी इस आयु वर्ग को डाल दो। मैंने कहा 10 वर्ष का बालक है, तो 10 वर्ष का बालक है तो इसकी वास्तविक आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। तो यहाँ निकालना हमें क्या है, बुद्धि लब्धि। तो आई क्यू बराबर एम ए बटावा सी ए गुणा 100। अब आई क्यू एम ए कितना है, मानसिक आयु। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता है कि 10 वर्ष का बालक है, जो 12 वर्ष की बालक जितना कार्य कर रहा है तो वर्तमान में उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ एम ए होगी 12, सी ए होगी 10 गुणा 100, काटोगे आप तो 120 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो किस वर्ग में डालोगे, कौन से में आ गया, परखर बुद्धि में शामिल हो गया। कौन से में, परखर बुद्धि में ये बालक शामिल हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक 10 वर्ष का बालक है, जिसकी बुद्धि लब्धि 70 है, तो मानसिक आयु होगी। अब यहाँ वही सूत्र वापस लेना है, बालक कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का, तो आई क्यू बराबर 10, सी ए है वास्तविक आयु है 10 हो गया, बुद्धि लब्धि कितनी है 70, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 70, यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन वाचक चिन्ह हो जाएगा, गुणा क्या होगा 100। अब हमें ये क्या करना क्या है, तो यहाँ क्या हो गया 70 बराबर 100 बटे वे 10, इसको यहाँ काट दो, इसको आप अगर इसको यहाँ लाओगे तो कितना हो गया 70 बराबर, यहाँ अक्ष ले लेते हैं 10 अक्ष हो गया। अब यहाँ अक्ष बराबर 70 बटे वे 10 भाग देंगे 7, ये 7 जो वर्ष है ये क्या है, बालक की वास्तविक आयु, सॉरी बालक की मानसिक आयु, क्या है बालक की मानसिक आयु कितनी है 7 वर्ष। तो पहला तो है ये, दूसरा दोनों निकाल सकते हो। इस सूत्र में जहां जो मान पूछा जाता है उसे वहीं रखिए और हल कीजिए। इसी प्रकार हमने शैक्षिक आयु की भी बात की थी, किसकी बात की थी, शैक्षिक आयु की, तो शैक्षिक आयु का भी यही होगा, शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटावा वास्तविक आयु गुणा 100। ई क्यू बराबर ई ए बटावा सी ए गुणा 100। ई क्यू बराबर ई ए। अब यहाँ क्या है, प्रश्न में बोलता हूँ आपको कि एक 10वीं कक्षा का बालक 11वीं कक्षा के बालक जितनी योग्यता रखता है, तो बालक की ईक्यू क्या होगी। तो ईक्यू बराबर ये हो गया। अब ईए क्या है, वास्तविक आयु। बालक किस कक्षा का है, 10वीं कक्षा का है, तो वास्तविक आयु क्या हो गई 10। सीए सॉरी पहला पूछ रहा है ईए एजुकेशन एज, 10वीं कक्षा का बालक है तो वो तो उसकी क्या हो गई
वास्तविक आयु। 11वीं कक्षा जितना कार्य कर रहा है तो उसकी मस्तिष्क की एज उसकी वास्तविक एज से क्या है, ज़्यादा है। 10वीं कक्षा का बालक 11वीं कक्षा के बालक जितनी कैपेसिटी रखता है तो 11वीं कक्षा उसकी क्या हो गई, मस्तिष्क की उम्र होगी। 10वीं का है और 11वीं कक्षा के सभी प्रश्नों को हल कर रहा है तो मस्तिष्क की आयु ज़्यादा हो गई। तो ये आ गया एजुकेशन एज बटावा वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज या कालानुक्रमिक आयु गुणा 100 कितना आएगा, 110 उसकी क्या है, ईक्यू शैक्षिक लब्धि। 110 क्या है उसकी, शैक्षिक लब्धि है। तो इस प्रकार ये भी निकाला जा सकता है, जो पूछा जाए उसी को उसी स्तर के रूप में आप निकाल सकते हो। तो इन सूत्रों को अच्छे से तैयार करना होगा। दो सूत्र हमारे हो गए ईक्यू का और आईक्यू का, बुद्धि लब्धि और एजुकेशन लब्धि। ईक्यू का मतलब हो गया एजुकेशन क्यूरेंसी और आईक्यू का मतलब हो गया इंटेलिजेंसी क्यूरेंसी। और ये चार्ट भी आपको तैयार करना होगा। इसके बाद में ये तो हमारे हो गए दोनों जो परीक्षण थे, सामान्य व्यक्तिगत व वाचिक बुद्धि परीक्षण, जो पढ़े लिखे बालकों के लिए उपयोगी था। अब यहाँ व्यक्तिगत अब स्टैनफोर्ड जो बिने बुद्धि परीक्षण है वो किस आयु स्तर के बालकों के लिए उपयोगी था, 3 से 14 वर्ष। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। दोनों व्यक्तिगत थे, दोनों वाचिक थे। क्वेश्चनों का डिफरेंस था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों में 59 क्वेश्चन है वर्तमान में, ठीक है, और स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में 90 क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण में 90 क्वेश्चनों का डिफरेंस है, आयु वर्ग का डिफरेंस। बिने साइमन में आयु वर्ग 3 से 15 है तो स्टैनफोर्ड में 3 से 14 वर्ष है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में और प्रथम बुद्धि परीक्षण और पढ़े लिखे बालकों के लिए द्वितीय बुद्धि परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण है। एक चीज आती है कि कौन सा बुद्धि परीक्षण है जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधित रूप है, तो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण या टर्मन का बुद्धि परीक्षण, ये भी उसी का क्या माना जाता है, संशोधित रूप माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। कितनी देर